हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक एसे, इट इज ड्रीम चिल्ड्रन एंड इट वाज रिटन बाय चार्ल्स लैम। दोस्तों, चार्ल्स लैम का जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775 में और इनकी मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1834 में। ही वॉज अ वेरी फेमस इंग्लिश एसेस्ट, पोइट भी थे और इनको जाना जाता है बेस्ट फॉर हिज एसेज ऑफ एलिया एंड ऑल्सो फॉर द चिल्ड्रंस बुक टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो कि इन्होंने लिखी थी अपनी बहन मैरी लैम के साथ में मिलकर। अभी जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, इट इज अ पार्ट ऑफ हिज फेमस वर्क एसेज ऑफ एलिया, जो कि पब्लिश हुआ था इन लंडन मैगजीन इन 1823 पहली बार इन बुक फॉर्म। यहाँ पर ये जो नाम है एलिया, ये और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स लैम भी है, जिसको वो एज अ स्यूडोनिम यूज करते हैं। और इन एसेज में उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में काफी चीजें बताई हैं। दोस्तों, ये जो हमारा एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, इट्स अ रेवरी। रेवरी यानी कि दिवा स्वप्न, दिन में देखा गया ख्वाब। यहाँ पर चार्ल्स लैम एक सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं और अपने बचपन की मीठी मीठी यादों को याद कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपने जीवन में जो उनके लव्ड वंस हैं, उनकी दादी और जो उनका भाई है, उसकी मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहे हैं अपने दो इमेजिनरी बच्चों के सामने। एक है लड़का और एक है लड़की। लड़का है जॉन और लड़की है एलिस। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना ऐसे। दोस्तों, चार्ल्स लैम अपना ऐसे शुरू करते हैं अपनी दादी की कहानी से। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी एक दादी थी जिनका नाम था मिसेस फील्ड, और इनकी दादी को इनके बच्चों ने कभी भी नहीं देखा। वो बताते हैं कि वो नॉर्फक नाम की जगह पर एक बहुत ही विशाल घर में रहती थी। ये घर उनके प्रेजेंट घर से करीबन 100 गुना बड़ा घर था। अब इस घर में ना कुछ दुखद घटनाएं घटी थी जो कि लोक गाथाएं बन गई, काफी फेमस हो गई ये कहानियां। और ऐसा वो बताते हैं कि ये कहानियां कुछ बच्चों और उनके एक क्रूवल अंकल के बारे में थी, और इन कहानियों को उस घर की एक चिमनी पीस के ऊपर एक लकड़ी का कवर था जिस पर कुरेद कुरेद कर गढ़ा गया था। ये चिमनी उस घर के एक बड़े से हॉल में थी। लेकिन कुछ समय के बाद में उस घर का जो मालिक था रॉबिन रेड ब्रेस्ट, उसने, जिसको लैम यहां फुलिश कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं, उस वुड को रिप्लेस करा दिया मार्बल के साथ में, क्योंकि मार्बल उस समय फैशन में था। अब उस मार्बल के कवर पर कोई भी स्टोरी नहीं थी। अब जब वो लैम अपने बच्चों को बताते हैं ये बात, तो एलिस को ये बात पसंद नहीं आती है और वो कहती है कि ये उसने अच्छा नहीं करा, मतलब ये बेकार था ये काम करना रिप्लेस करने वाला। फिर वो अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी दादी माँ एक बहुत ही रिलीजियस और एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो कैसे सबको बहुत प्यार करती थी और सब लोग भी वापसी में उनकी रिस्पेक्ट काफी करते थे। वो जिस घर की वो बात कर रहा है उसकी ओनर नहीं थी, बल्कि वो उस घर की केयर टेकर थी, उस घर की वो इंचार्ज थी। लेकिन फिर भी वो उस घर की मालकिन की ही तरह वहां पर रहती थी, क्योंकि उसका जो मेन ओनर था वो अपने एक नए फैशनेबल घर में वो शिफ्ट हो गया था। तो वहां पर वो अकेली रहती थी इतने बड़े घर में। और जब उस घर के मालिक ने यहां से शिफ्ट किया, तो घर का वो फर्नीचर और वहां के जो ऑर्नामेंट्स है ना, वो उनको उखाड़ कर ले गया और उसने उनको अपने नए घर में लगवा दिया। अब दोस्तों, लगवा तो दिया, लेकिन वो ना वहां पे बड़े ऑकवर्ड लग रहे थे, काफी वो सूट नहीं किए। तो जॉन, जो कि लैम का बेटा है, ऐसे में स्माइल करता है और एक कमेंट करता है, दैट वुड बी फुलिश इंडीड, कि बड़ा ही बेवकूफी वाला काम है ये तो। फिर वो अपने बच्चों को बताते हैं अपनी दादी माँ की मृत्यु के बारे में, कि जब उसकी दादी माँ मरी तो उनके फ्यूनरल पर काफी सारे लोग आए, जिसमें कि कुछ अमीर भी थे, कुछ गरीब भी थे। लोग मीनों का सफर तय कर आए उनके फ्यूनरल पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उसकी दादी माँ ना बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत ही हम्बल थी, बहुत ही रिलीजियस थी। उनको साल्ट्री यानी कि भजन संग्रह का अच्छा ज्ञान था, उनको बाइबल के टेस्टमेंट भी बाय हार्ट याद थे। इसके बाद वो बढ़ते हैं अपनी दादी माँ के जवानी के समय की तरफ। वो बताते हैं कैसे जवानी में वो बहुत ही लंबी थी, अपराइट थी और उनकी काफी ग्रेसफुल पर्सनालिटी थी। वो अपने बच्चों को ये भी बताती हैं कि उनकी दादी माँ अपनी जवानी में बेस्ट डांसर थी। तभी एलिस एक क्वेश्चन पूछती है, बेस्ट डांसर कि क्या मतलब वो बेस्ट डांसर थी? तभी लैम जवाब देते हैं, यस, द बेस्ट डांसर इन द कंट्री। लेकिन तभी उनकी दादी माँ को एक बीमारी हो जाती है, कैंसर वो बीमारी होती है, जिसने उनको दोस्तों भयानक पेन दिया और फिर वो अपने नृत्य को कंटिन्यू नहीं कर पाई।
लेकिन लैम कहते हैं कि भले ही वो दर्द से पीड़ित थी, लेकिन वो कैंसर की बीमारी, उनकी जो गुड स्पिरिट्स थी, उनकी जो जीवंतता थी, उनका जो जीवन जीने का हौसला था, उसको वो डगमगा नहीं पाया और वो अभी भी उतनी ही प्यारी थी, उतनी ही रिलीजियस थी, उतनी ही वाइटल थी। फिर लैम अपने बच्चों को बताते हैं कि कैसे उसकी दादी माँ एक अकेले, एक लोनली, एक आइसोलेटेड चैम्बर में अकेले सोया करती थी और वो कहती थी कि उनके बेड के पास में ना उनको दो बच्चों की आत्माएं दिखती हैं, लेकिन वो आत्माएं उन्हें चोट नहीं पहुंचाती हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब वो सोती थी अकेले और लैम जब छोटे थे वो सोया करते थे मेड के साथ में, क्योंकि वो डरते थे। वो अपनी दादी माँ की तरह रिलीजियस नहीं थे, उनको डर था उन आत्माओं से। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें कभी भी उनको वो आत्माएं नजर नहीं आई। उसी पर उस समय उनका जो बेटा है जॉन, वो करेजियस यानी कि साहसी दिखने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में उसको डर लग रहा होता है। दोस्तों आगे लैम बताते हैं कि उसकी दादी माना उन सभी बहन भाइयों को बहुत प्यार किया करती थी और कैसे वो छुट्टियों के दिनों में अपने भाई बहनों के साथ में, उनका भाई था जॉन और उनकी बहन थी मैरी, उनके साथ में वो अपने दादी माँ के घर छुट्टियों में जाया करते थे और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर अपना स्पेंड किया करता था। जो 12 सीजर्स के जो मूर्तियां थी वहां पर उनको निहारते हुए, 12 सीजर थे एम्परर्स ऑफ रोम, वो उनको निहारता था और उसको लगता था कि या तो ये जो मूर्तियां हैं ये जीवित हो जाएं या मैं इन्हीं की तरह मार्बल में परिवर्तित हो जाऊं, तो उसको ऐसा लगता था। ऑल्सो वो उस बड़े से घर में ना घूमता रहता था, उसको वहां पे जो खाली कमरे थे, जो वोर्न आउट टेपेस्ट्री यानी कि पर्दे थे, तो वहां पर ना उसको स्ट्रोल करना, उसको उस मैंशन में घूमना बड़ा अच्छा लगता था। वहां पर एक बहुत ही बड़ा विशाल पुराने फैशन का गार्डन भी था जो उसको काफी पसंद था। वहां पर भी वो अपना बहुत समय अकेले में स्पेंड किया करता था। वहां पर उसे कभी कभार एक अकेला सॉलिटरी गार्डनर भी मिलता था। उस गार्डन में दोस्तों वो वेजिटेशन को, फ्रूट्स को, कुछ यहाँ पे फ्रूट्स का जिक्र है, एप्पल्स, रेड बेरीज, नेक्टराइंस, पीचेस, इन सबको वो एनालाइज करता था, भीने भीने फूलों की खुशबू सूंघता था और उसको अपनी छुट्टियों को ना इसी तरीके से स्पेंड करना पसंद था, नेचर के पास में रहकर, बजाय इसके जैसे कि बाकी बच्चे गेम्स वगैरह खेल के एंजॉय करते हैं, लेकिन उसको इन सब चीजों में ज्यादा मजा आया करता था। वहां पर एक फिश पॉन्ड भी था जहां पर वो फिशेस को आगे पीछे घूमते हुए देखता था, उनकी मूवमेंट को एंजॉय करता था और उसको इन सब बिजी आइडल डाइवर्जेंस में काफी मजा आया करता था। तभी वो देखता है कि उसका बेटा जॉन पीछे की तरफ झुका और पीछे एक टेबल पर अंगूरों का एक गुच्छा रखा होता है प्लेट में, जिसको वो दोनों बहन भाई आपस में बांटकर खा लेते हैं। अब लैम आगे बढ़ते हैं और अपने बच्चों को अपने बड़े भाई जॉन लैम के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर दो जॉन हैं, एक तो चार्ल्स लैम का बेटा जॉन और एक उनका बड़ा भाई जॉन, तो दोनों का नाम सेम है। अब वो बताते हैं कि ग्रैंड मदर वैसे तो सब बच्चों को बराबर प्यार करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो करती थी जॉन से, और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, बहुत हैंडसम थे, बहुत ही वाइटल थे, बहुत ही स्पिरिटेड लड़का था, बहुत ही जीवंत लड़का था, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी थी। वो बाकी बच्चों की तरह ना बोरिंग नहीं थे कि कॉर्नर में बैठ के यार टाइम पास कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए, बल्कि वो तो बहुत ही खुशमिजाज था। उसे घोड़ों की सवारी करना, उस पूरे गांव का चक्कर लगाना, हंटर्स के साथ में बातचीत करना बहुत पसंद था। अब समय बीतने के साथ साथ जॉन प्रेस तो था ही, तो उसको फैमिली में भी और फैमिली के बाहर भी सब लोग बहुत प्यार करने लगे। वो लैम का, चार्ल्स लैम का बड़ा भाई था और वो चार्ल्स लैम को ना घंटों अपने कंधों पर उठाकर सैर करवाता था, क्योंकि चार्ल्स लैम लंगड़े थे, ही वॉज लेम फुटेड, और वो चलने में उनको दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि आगे जीवन में जॉन भी लंगड़े हो गए और लैम को ना बड़ा ही एक बात का दुख है कि वो अपने भाई के पीड़ा के समय में उनके साथ नहीं थे। ही वॉज नॉट सिंपथेटिक इनफ टूवर्ड्स हिज ब्रदर इन एंड्योरिंग दैट इंटॉलरेंट पेन। उनको याद आता है कि कैसे वो ये भी भूल गया कि उनके भाई ने कितना उसका साथ दिया, कितना उसे कंफर्ट किया और कितना वो कंसिडरेट थे उसकी तरफ, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसको इस बात का बहुत दुख है। और जब उनके भाई की मृत्यु हो गई तो लैम उनको बड़ा ही मिस करते थे। वो उनकी काइंडनेस को, उनके चिड़चिड़ेपन को, सबको मिस करते थे और वो चाहते थे कि वो दोबारा से जीवित हो जाएं ताकि वो फिर से उनके साथ में अपनी वही मीठी नोक झोंक को एंजॉय कर सके, जैसे आप और हम भी अपने भाई बहनों के साथ में करते हैं।
उनको इतना बुरा लगता था, इतना दुख होता था, वो इसकी कंपैरिजन करते हैं उसी दर्द के साथ में जो कि उनके बड़े भाई को हुआ होगा जब डॉक्टर को उनका एक पैर काटना पड़ा था। अब इतनी सब बातें वो कहते हैं तभी उनके बच्चे जो है ना बड़े बेचारे उदास हो जाते, रोने लगते हैं और वो कहते हैं बस अब हमें अपने अंकल के बारे में और नहीं सुनना, अब आप हमें बताइए हमारी सुंदर माँ के बारे में जिसका नाम है एलिस। अब यहाँ पर दो एलिस हो गई, उसकी बेटी का नाम भी एलिस और उसकी मरी हुई बीवी का नाम भी यहाँ पर एलिस है। फिर वो अपने बच्चों को बताता है कि कैसे 7 लंबे सालों तक वो उनकी माँ को डेट करता रहा, कभी उम्मीद से, कभी निराशा से और कभी कंप्लेन नहीं करी उसने। वो उनको ये भी बताता है कि उनकी माँ बहुत सुंदर थी, उसकी कॉयनेस यानी कि उसके नखरेबाजी के बारे में बताता है, कैसे बताता है कि कैसे कुंवारी लड़की नखरे करती है, लज्जाती है, वो बार बार मना करती है, कितना मुश्किल होता है उसको मनाना। तभी उनका ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है और वो नोटिस करते हैं कि उनकी बीवी में उनकी और उनकी बेटी में एक रिजेम्बलेंस यानी कि वो एक जैसे दिखते हैं और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी जो बीवी है वो उसकी बेटी की आंखों से झांकते हुए उनसे बातें कर रही है। तभी एक अजीब सी चीज होती है यहाँ पर, उनके बच्चे धुंधले होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो दोनों बच्चे उनकी नजरों से गायब हो जाते हैं। अब आता है जी यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, वो बच्चे उन्हें कहते हैं वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी, कि हम ना तो एलिस का अंश है और ना ही तुम्हारा अंश है, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, अरे हम तो बच्चे भी नहीं है। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर, अब जो यहाँ पर एलिस के बच्चे दिखाए गए हैं वो बार्ट्रम नाम के एक शख्स को अपना पिता कहते हैं। आगे वो बच्चे कहते हैं वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो कोई वजूद ही नहीं है हमारा, हम मात्र सपना है, हम मात्र एक ख्वाब है, हम तो सिर्फ एक कल्पना है। और तभी लैम्प की नींद टूटती है, वो उठ जाते हैं और वो खुद को अपनी बैचलर आर्म चेयर पर पाते हैं। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि लैम्प की शादी नहीं हुई है और वो पाते हैं कि अरे मैं तो यहीं पर सो गया था और उनके साथ में सिर्फ उनकी बहन जिसका नाम है मैरी लैम, लेकिन वो यहाँ पर उनको ब्रिजिट कहकर पुकारते हैं, वही होती है और उनकी दादी और उनके भाई पहले ही की तरह मर चुके हैं। तो दोस्तों इसी पॉइंट पर हमारा एस्से हो जाता है खत्म। अब इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो एस्से है ये हाईलाइट करता है द लॉस ऑफ द थीम ऑफ लॉस एंड रिग्रेट इन लैम्स लाइफ, कि जो हमारा एसेइस्ट है ना वो बड़े नॉस्टैल्जिकली अपने बचपन के उस टाइम को याद करता है, रिग्रेट करता है द लॉस ऑफ हिज डियर वन, जो कि उसकी दादी और उसके भाई की मौत हो चुकी है, तो उसे बड़ा खेद होता है इस बात का। उसको एलिस के प्रति उसका जो अनरिक्वेटेड लव था कि एलिस ने कभी भी उससे शादी नहीं करी, उसका भी खेद होता है और वो रिग्रेट करता है कि कैसे पलक झपकते ही उसके बचपन के वो प्यारे सुहावने दिन खत्म हो गए हैं। और रीडर को पता लगती है रियलिटी जब ये ऐसे क्लाइमैक्स पर पहुंचता है कि वास्तव में ये बच्चे एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ चार्ल्स लैम की एक कल्पना है, एक सोते हुए आदमी का सपना है। तो ये एनालिसिस समझ में आया होगा। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू तो प्लीज लाइक कर दो यार, कमेंट करके भी बताओ आपको कैसा लगा ये ऐसे, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड दिस, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो वो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी फ्यूचर अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।